अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? GTX ट्रेडिंग में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ लेके आया हूँ और उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, वो एक फ़ोन है। आप लोग सोच रहे होंगे गैलेक्सी आईफोन, ओ भाई छोड़ दो इन चीज़ों को, सब बदल गया है, दुनिया आगे जा चुकी है, आप लोग पीछे हैं। आज जो मैं आप लोगों के लिए डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लाया हूँ वो है लिनोवो लीजन 2। आप ये देख सकते हैं इसकी पैकिंग, इसकी बिल्ड क्वालिटी और सबसे बड़ा डॉल्बे ऑप्टिमस 7 इनके डॉल्बे ऑप्टिमस एक्स। इसका जो साउंड है वो एक्सट्रीम है, प्रीमियम है, हाई डेफिनेशन है, प्लस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ट्रिपल लेड के साथ आता है। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं ताकि आप लोगों का भी जो टाइम है जल्दी जल्दी हम इसे अनबॉक्स करें ताकि आप लोगों की जो बेसब्री ख़त्म हो जाए। लाएं। ये है छुरी। वैसे तो इसे इंसान भी मरता है लेकिन हम इंसान नहीं मारेंगे, आज हम फ़ोन को ज़िबा करेंगे, इनके फ़ोन के बॉक्स को ज़िबा करेंगे। लिहाजा आज हम इस फ़ोन को खोल रहे हैं। काफ़ी मेरे पैसे लग गए हैं और मुझे किसी भी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया, मैं खुद ही इसे परचेस करके यानी कि आप लोगों के लिए लाया हूँ और मैं आपके लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि पता लगे कि भाई गेमिंग फ़ोन होता है क्या, और जिन्हें नहीं पता उन्हें भी आज पता लग जाए। बड़े लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कुछ लेटेस्ट चीज़ें इसमें से आपको बता सकूँ जो कई लोगों को नहीं पता, और कई लोग जो है ना इसकी वो राज के राज की राज बातें छुपा देते हैं कि जी भाई ये है वो है, लेकिन मैं आपको रियलिटी के साथ चीज़ें बताऊँगा। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डब्बा खुल जाए लेकिन मुझे लगता है कि हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, छुरी लगता है तेज़ नहीं है। वैसे तो मुझे लग गई थी उस दिन, मैं सेव वेव काट रहा था लेकिन आज इसे पता नहीं क्या हुआ, लग रहा है कि इसने काम कर दी, लगता है इसकी बिस्ती हुई है तो ये भी काट रही है। मुझे लग रहा है कि अब खुल गया, हम इसे साइड पे करते हैं कि मुझे ना लग जाए। कोशिश कर रहा हूँ, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, लग रहा है खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा, खुल रहा, सब्र करें लोगों खुल जाएगा। वाओ, ओह माय गॉड, आप इसका पहला व्यू तो देखें कि एप्पल इतना अच्छा डब्बा नहीं बनाता, सैमसंग नहीं बनाता, भाई इसी से सीख लो, इन्वेस्टमेंट भी कोई चीज़ होती है। आप मुझसे भी सबर नहीं हो रहा, अब हम शुरू करते हैं। पहले हम ना बिस्मिल्लाह पढ़ लेते, पाकिस्तानी है ना, मुसलमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ओ माय गॉड, अच्छा अगर बंद करेंगे तो ये अंदर की तरफ जा रहा है और ऊपर से मैग्नेट है यार, वाओ। इमेजिन करें कि ऐसे लगता है जैसे कोई चीज निकल के आ रही है, ये देखें, यानी कि फर्स्ट लुक, ये देखें, मैं कहता हूं उसकी पावर देखें कि मैग्नेट खींच लेता है। अब तो मुझसे भी सबर नहीं हो रहा तो लिहाजा मैं पहले फोन को पकड़ूंगा, इसे हम साइड पे निकाल लेते हैं, अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या है ऐसा जिसके पीछे मैं पागल हूं, दुनिया पागल है और हम सब इस फोन को लेने के लिए। काफी काफी बड़े बड़े डब्बे बनाए हैं इन्होंने, ये भी कुछ है, मुझे लगता है कि ये एक मिनट, ये ऐसे, ये एक डब्बा है, हम इसको भी साइड पे रख देते हैं। अब ये क्या है, उफ, इसमें क्या है ऐसा, ये देख सकते हैं कि एसेसरीज की पैकिंग देखिए आप, कि जैसे लगता है कि मॉन्स्टर आपके सामने खुल चुका हो। अब वो कहते हैं कि बेटा खुदा हाफिज, अब इसमें कुछ नहीं, इज्जत के साथ इसको बंद कर दो, हम इसको रख देते हैं साइड में, अब हमारा काम हो गया ख़त्म। अच्छा जो पहले हम आते हैं जी एसेसरी की तरफ, हम देखते हैं इसमें क्या है। वाओ, ये देखें इसकी पिन, देखें कितनी प्रीमियम है। वैसे तो पिन देते हुए बाकी फ़ोन जो है ना मर जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड मर जाते हैं, एप्पल पे तो लानत ही पड़ जाती है ना। आ जाओ, ओह माय गॉड,
ये देखें जी प्रीमियम केस, कंपनी ने पैसा लगाया है आपके लिए कि आपको गिफ्ट दे रही है कि देखें एक प्रीमियम केस भी निकला है आपके लिए कि आफ्टर मार्केट आपको लेना ना पड़े फ़ोन के अंदर। लें जी, ये इसकी बुक है, जिसको फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना था वो इसको पढ़ के ले, चाइनीज़ नहीं इंग्लिश। शर्म करो आईफोन और शर्म करो सैमसंग, जो आईफोन और सैमसंग यूज़र हैं उनको थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि देखो तुम्हारी कंपनी, यानी कि जैसे आप कहते हो कि जी हम दो ढाई ढाई लाख रुपए बेच रहे हैं, वो ये कनेक्टर नहीं देते और ये प्रीमियम कनेक्टर इसके अंदर आया है भाई, देख लो इसे अपनी आंखों से देख लो। अब ये ख़त्म हो गया, अब हम आते हैं दूसरे जाने, इसमें कुछ बड़ा है, खोलना तो पड़ेगा, पढ़ना आपको पता कैसे लगेगा कि क्या क्या है इसमें। बड़ी मेहनत से खोला है मैंने, अब इसको भी खोल देते हैं। ओ माय गॉड, ये देखें टाइप सी टू केबल्स, इसका मतलब कोई राज की चीज तो और है, और भी देखते हैं क्या क्या निकलता है। लगता है वो राज की बात है, मैं पूरे डब्बे में से इधर से निकालना पड़ेगा, इधर से तो वो नहीं निकलता। ले जी, उन्होंने इतने बड़े डब्बे में ये चार्जर डाला हुआ है और ये चार्जर है 90 वॉट। अब तो एप्पल को और सैमसंग को चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए कि 90 वॉट का चार्जर आ गया भाई, और तुम लोग ढाई ढाई लाख रुपए किस चीज़ का लेते हो, लेकिन हमारी आवाम भी नवाब है, वो भी कहती है खर्चो पैसा, हराम है हलाल है खर्ची जो चलो। खैर, ये उन लोगों के लिए फ़ोन है जो बेचारे बड़ी मेहनत से पैसे जोड़ के फ़ोन परचेज करते हैं। ओके, इसे भी हम साइड पर रख देते हैं। अब आ गया है लास्ट में एक्सट्रीम गेमिंग फ़ोन, ये इसकी फर्स्ट लुक है जी, आप देख लें। मैं अपनी वीडियो में आपको ये फर्स्ट लुक दिखा रहा हूँ कि कोई ये ना कहे कि इसकी कोई ना कोई चीज़ रह गई है। मैं भी अपने हाथों में आज फर्स्ट टाइम इसको पकड़ रहा हूँ। ये देखें जी, इसकी फर्स्ट लुक क्या, ये ऐसे पैक्ड आता है और ये इसके IME हैं और ये इसका सीरियल नंबर है, एक टाइप सी पोर्ट यहाँ है, एक टाइप सी पोर्ट यहाँ है, ये इसकी सिम जैकेट है और ये इसका माइक है, माइक टू यहाँ होगा और माइक जो है इसके तीसरा वो उसके साथ है, ठीक है जी। स्पीकर इसके फ्रंट पे हैं। आइए अब इसको जो है हम खोल, वाह ऑसम। मैंने जिसे फर्स्ट टाइम फ़ोन को पकड़ा है, एक फीलिंग आई है मुझे कि जैसे मैंने कोई मॉन्स्टर हाथ में पकड़ ली है, ऐसे लग रहा है कि मैंने नेक्स्ट जनरेशन लेवल की कोई चीज़ पकड़ी है। और टोटल ही एल्युमिनियम के साथ है, सिल्वर बॉडी है और ड्यूल फैन है, दो कैमरे हैं इसके और इसके ये सेंसर्स हैं जी, ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट सेंसर्स हैं, ये भी इसके सेंसर्स हैं। तो लिहाजा आज मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है, अब मैं आप लोगों को इसकी जो परफॉर्मेंस है और वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मैं पहले इसे ऑन करके देखता हूं क्योंकि बास का बैटरी नहीं होती, और बैटरी होती फर्स्ट लुक मैं इसकी आपको लाजमी दिखाऊँगा ऑन करके कि कैसा लगता है। आइए इसे ऑन करते हैं। वेट कीजिए जी, मुझे ये फ़ोन चार्ज करना पड़ा है और अब मैं जो हूँ इस फ़ोन को ऑन करने लगा हूँ। काफ़ी गर्म हुआ है और ठीक ठाक गर्म हुआ क्योंकि बैटरी इसकी बिल्कुल ज़ीरो थी, तो अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ कैसा लगता है। ये इसकी फर्स्ट लुक है, ये अभी RGB लाइटिंग ऑन नहीं हुई। नहीं जी, ये अब ऑन हो रहा है, ये ऑन हो चुका है लीजन OS के साथ, और पीछे फ़ैन भी चल पड़े हैं और RGB लाइटिंग भी ऑन हो चुकी हुई है। बकायदा
बड़ी प्यारी लगती है। मैं आपको अंधेरा करके दिखाता हूँ कैसा लगता है, बिल्कुल ब्लैक डार्क के साथ, कि कैसी एक ईवलनेस लगता है जो कि किसी फ़ोन में नहीं होता। अब आप देखें ज़रा कितना प्यारा लग रहा है। पीछे RGB लाइटिंग है, ये फ़ैन में भी लाइट चल रही है और उस फ़ैन में भी लाइट चल रही है। ओके, अब मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ कि इसकी लुक है। ये फ़ोन ऑन हो चुका हुआ है। अब मैं इसकी जो फर्स्ट लुक है वो देखें, ये स्टार्ट आ गया और इसका सारे फीचर्स हैं। बकायदा बस मैं आपसे यही कहूँगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है और इसके जो फीचर्स हैं, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस इंशाल्लाह ताला इसकी सुनने में आया है iPhone 12 Pro Max से ज़्यादा अच्छी है। मैं इस फ़ोन के बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, इसने बाकी चीज़ों से हैरान किया है और वो वाकई की है, इम्प्रेसिव है। तो लिहाजा आप मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।